झुकी रे अंधेरिया आदो की रात काली झुकी रे अंधेरिया जायो देवकी ने लाल भयो अद्भुत कमाल देखो क्या है बना रहने दो हटा दो बैठ जाओ भैया माताओं से निवेदन है कोई भी खड़ा नहीं होगा और एक भी भाई बंधु ऐसे जाओ और सभी माताएं कृष्ण की भेंट करेंगी यहाँ भैया यमुना मैया ने जवाता हुआ देखा तो तूफान ली है जो तूफान ली तो भगवान ने पैर नीचे को कियो चरण स्पर्श किए यमुना मैया निपान हुई वहां जाए के देखो तो योग माया दो घड़ी भगवान से छोटी थी उसे उठाया कृष्ण को लेटा दिया रास्ता भर तो नाए रोई जैसे जेलन में आई रोना शुरू कर दिया यहां कंस को पता चला तो कंस ने देखा कि चोरा नाए छोरी भैये मारने के लिए तैयार हुआ चंचला आकाश में उड़ गई और जवाब दिया ओ रे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा तुझे मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है
चिल्ला कर कहा चंचला ने, अरे अभिमानी रे मत बारे, तेरे वैरी को पाल रहे आदबंसी गोकुल वाले। विश्वास मान ले रे अजान में पिता का बीज बो चुका है, तेरे काल का अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। भैया कंस ने क्षमा याचना मांगी, यहां सुबह जब गोकुल में हुआ तो रात को सुनी छोरी, वहां सुबह छोरा गजब है गयो, नंद की बहन है सुनंदा बधाई लेके आई है। माताएं जो बधाई डालने की इच्छुक हो वो बधाई डालें, और जो भी टॉफी या बिस्किट हो भैया वो फेंक दें। नंद घर या नंद गए मैंने पहले ही समझाया, कोई भी खड़ा नहीं होगा, यानी कि मान लो अगर मैंने बोला है तो आप एक ही बार में बैठ जाएं, और जो बधाई डाले वही खड़ी हो, निवेदन है आपसे, बाकी कोई भी खड़ी नहीं होगी, एक भी औलाद को और बिठाई दियो कायदे से। और ये टॉफी बिस्किट जो भी है आराम से फेंकना, किसी के लग जाएगी, ऐसे पत्थर की तरह मत फेंको। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, धीरे करो भैया, ये ऐसे मानेंगे नहीं, आरती करती हूँ मैं, एक सेकंड में बैठ जाइए आप, जैसे खड़ी हुई हो ना वैसे ही बैठ जाइए, मैं आरती करवा दूंगी। ये क्या है भाई, ना किसी को दिखाई देता है ना कुछ समझ सकते हो, मैंने बोला आप खड़ी नहीं होंगी, बैठिए भैया, आपसे निवेदन है आप अमीर ना फेंके, आंखों में जाएगा किसी के। नंद घर या नंद भय जय कन्हैया लाल की, बुढ़ती ने हाथी घोड़ा जानंदी ने पाल की, नंद घर या नंद भय जय कन्हैया लाल की, या सो
काला दुपट्टा तुम तो ही कह रहे हैं।